Play by TF card. पीछे दी आप लोग पीछे नमस्कार एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी हम मौजूद हैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में। आपको बताते चलें कि वो कोरोना काल हो या बाढ़ जैसी स्थिति, एएसपी के उम्मीदवार एजाज अहमद सिद्दीकी जी हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं, लोगों की परेशानियों को सुनते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि वो लोगों की मदद कर सके, और वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। उससे पहले हम यहाँ की जनता से, कुछ स्थानीय जनता से जानना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने क्या मूड बनाया है, किसे अपना विधायक चुनना चाहते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ स्थानीय जनता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए कि आप लोग अपना विधायक किसे बनाना चाहते हैं, क्या लगता है जनता ने क्या मूड बनाया है? जनता ने बदलाव कर लिया है, क्योंकि अब तक तो हम लोग बहुत आया, बहुत किया, सबको देखा ही हमने। जनता का मूड अब की हो गया कि चेंज कर देंगे इसको। कल आप लोगों की रैली निकली हुई थी, एजाज अहमद सिद्दीकी जी की रैली निकली हुई थी, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, रावण जी भी आए हुए थे, तो उनको देख कर क्या लगता है कि विरोधी जो हैं वो घबरा गए थे? विरोधी पूरा घबरा चुके हैं और घबराते रहेंगे, ये आपका कहना है। यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, क्या हो महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र? हम तो ये चाहते हैं विकास, और अपने भैया को जिताएंगे एजाज भैया को। क्यों, आखिर ऐसा क्या चीज़ है एजाज जी में जो बाकियों में नहीं है, क्योंकि और भी उम्मीदवार हैं महाराजगंज से? क्योंकि ये हम लोग साथ आ रहे हैं, मिल रहे हैं और टाइम दे रहे हैं, इसलिए। क्या लगता है सर, क्या होना चाहिए इस बार महाराजगंज में? बदलाव होना चाहिए। किसे चुनना चाहेंगे आप अपना विधायक? तो एजाज जी को चुन रहे हैं। क्यों सर? बदलाव के लिए, शिक्षा के लिए, ऐसी एजुकेशन के लिए जी? एजुकेशन के लिए, एजुकेशन अच्छा हो, इसके इस वजह से आप लोग बदलाव के मूड? जी जी। हमारे साथ एजाज अहमद सिद्दीकी जी भी मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। लगातार इनका दौरा जो है वो, क्या मूड है सर आप लोगों की, क्या मूड बनाया है आपने इस बार के लिए? एजाज अहमद सिद्दीकी के लिए हम लोग मूड बना चुके हैं और यहाँ की जनता भी बना चुकी है। सर क्यों? इसलिए कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कुछ काम किया नहीं, यहाँ महाराजगंज के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ के विधायक सिर्फ टिकटॉक बनाते हैं और टिकटॉक वायरल कराते हैं और काम वाम नहीं करते हैं। पानी लगा रहता है तो रोड नहीं बनाते हैं, बस इसीलिए हम लोग दूसरा विधायक चुनने के चाहते हैं जी। यहाँ पे और भी कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या चाहती है महाराजगंज की जनता इस बार, किसे अपना विधायक बनाना चाहते हैं? एजाज साहब का। क्यों सर, क्यों बदलाव के मूड में हैं आप लोग? बदलाव इसलिए है कि वो हमसे बहुत अच्छी लगता है, मतलब वो आप लोगों से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, परेशानियों को सुनते हैं।
सर बताइए क्या लगता है, क्या होना चाहिए महाराजगंज की धरती पे इस बार? धरती पर सबको कुछ होना चाहिए, जो होना चाहिए तो होना चाहिए। किसे बहुत तकलीफ है, अपना तो आजाद है। क्या खास है सर इनमें जो बाकियों में नहीं, क्योंकि और भी उम्मीदवार? हाँ, और उम्मीदवार जो करेंगे तो यही करेंगे ना सब, हम लोग के लिए ये ठीक है। आप लोग के लिए ये आप बताइए क्या लगता है, क्या होना चाहिए? हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। चुनाव में तो महज 2 या 3 दिन बचे हुए हैं, अभी तक आपने मूड नहीं बनाया? अभी हमने कुछ मूड नहीं बनाया है, हम लोग सोच रहे हैं अभी। आप यहाँ पे कुछ एक महिला भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैडम ये बताइए कि किसे बनाना चाहती हैं अपना विधायक? किसको बनाना चाहती हैं बोलिए। तो हमारा ये सबने के बुझा के क्या कहते हैं लोग, वोट किसको दीजिएगा? वोट केहू का दिया ही? अभी आपने सोचा नहीं है? तो अभी इन्होंने सोचा नहीं है, अभी इन्होंने मूड नहीं बनाया है। लेकिन आपको बताते चले कि चुनाव में महज 3 या 4 दिन ही बचे हुए हैं, ऐसे में अभी तक मैक्सिमम जनता ने अपना मूड बना लिया है कि इस बार किसे अपना विधायक चुनना है या फिर बिहार में किसकी सरकार लानी है। आपको बताते चलें कि एजाज अहमद सिद्दीकी जी काफ़ी दिनों से दौरे पे हैं, इनका दौरा लगातार चलता आ रहा है। हमने आपको पहले ही बताया कि वो कोरोना काल हो या बाढ़ जैसी स्थिति, हर समय एजाज अहमद सिद्दीकी जो हैं वो जनता से जुड़े रहते हैं, जनता की परेशानियों को जानते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो, जो भी प्रॉब्लम हो उन्हें ये सॉल्व कर सकें। और ऐसे में हमारे साथ एजाज अहमद सिद्दीकी जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर कल आप लोगों की रैली निकली हुई थी जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी आए हुए थे, तो क्या लगता है कि उसे देखकर, उस रैली में जितनी भीड़ थी उसे देखकर विरोधी जो हैं वो घबरा गए हैं? बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ATN न्यूज़ वालों का, बाकी हमारे महाराजगंज की जनता और को बहुत स्वागत और सबको नमस्कार, सलाम, जय भीम। देखिए भीड़ की बात तो अलग है, भीड़ क्या, पूरा समाज हमारे साथ है। घबराहट उन्हें विरोधी को आज ही नहीं हुआ है, घबराहट बहुत पहले से हो चुकी है, घबराहट शुरू है और बहुत पीछे हैं वो लोग। रही बात रैली की और भीड़ की, तो वो सब भीड़ किराए की नहीं थी, खुद ब खुद लोगों को पता होना चाहिए कि कोई सभा है या रैली है या कोई प्रोग्राम है तो उसमें लोग एकजुट हो जाते हैं, और वो भीड़ बहुजन समाज के कुछ हिस्से की थी। अगर जो मेरे कार्यकर्ता, मेरे लोग जो हैं, अगर उनकी भीड़ बुला दी जाए तो हमको लगता है कि बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। 20,000 कार्यकर्ता हैं आपके? जी, 20,000 समथिंग कार्यकर्ता हैं, और हर कार्यकर्ता जागरूक है और कुछ कर गुजरने की चाहत है, और हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत एक रोज की तरह है और सारे एक्टिव लोग हैं और कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, कुवत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। सर चुनाव जो है अब महज 3 या 4 दिन बाकी है, उसमें ऐसे में जनता ने तो पूरा अपना मूड बना लिया होगा कि किसकी सरकार बनानी है, किसे अपना विधायक चुनना है, और आपके सामने और भी कई उम्मीदवार हैं, तो कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, चुनावी माहौल जो है वो महाराजगंज का, वो कैसा देखने को मिल रहा है? देखिए ये सब रुझान की बात है तो ये हमसे बेहतर आप बता सकते हैं। अभी आपने ही कहा कि 20,000 आपके कार्यकर्ता, तो 20,000 अगर हमारे कार्यकर्ता हैं तो आप समझ सकते हैं कि रुझान किसकी तरफ है। सिर्फ सर्टिफिकेट मिलना बाकी है, 20,000 अगर करता है, अगर अपने सिर्फ घर का 5 वोट करता है तो 20-25 100 1,00,000 वोट होते हैं, और 1,00,000 वोट की ज़रूरत है ही नहीं। जिस तरह 27 प्रत्याशी महाराजगंज विधानसभा में लड़ रहे हैं, तो 27 प्रत्याशी अगर लड़ें तो आप 268,000 वोटर हैं महाराजगंज में,
तो हमें लगता है कि 35 से 40 हज़ार पे जीत होगी। तो हम तो 1 लाख हैं सिर्फ कार्यकर्ता, बाकी सारे समुदाय से सबका सहयोग मिल रहा है। इस बार कोई है ही नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा है। एक तरह से महाराजगंज से सफाया हो चुका है, सब लोग ध्वस्त हो चुके हैं। उसका रीज़न ये है कि 2 प्रत्याशी ऐसे लड़ रहे हैं जो यहाँ विधायक रह चुके हैं और उसने कुछ किया ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ विधायक बने हैं और अपने घर में सोए हैं। और 1 प्रत्याशी जो हैं, जो कांग्रेस के हैं, वो पैराशूट से आए हैं और 3 टर्म रघुनाथपुर को बर्बाद किया उन्होंने, 2 टर्म माझी को बर्बाद किया, अब महाराजगंज की तरफ रुख किए हुए हैं। तो जनता सब जानती है, जनता को वो लोग बरगला नहीं सकता। अब वो ज़माना लद गया, सब लोग जाग गए हैं और खेल ख़त्म है सबका। चाहे कितनी चोर बाजारी करें, कुछ भी कर लें, कुछ नहीं है। सर, मैं आपसे एक सीधा सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि घुमाने तो मुझे आता नहीं, जनता आपको चुने तो क्यों चुने? देखिए, जनता को चुनने का कारण है, अभी हमने बताया आपको कि ऐसा 85-86 गांव है दलित समाज का जो खेतों में बसा हुआ है। उस गांव में पगडंडी तक नहीं है, रोड की बात छोड़ दें, पगडंडी तक नहीं है। तो जनता को अब बदलाव चाहिए। अभी अब तक जो है बिहार सरकार जनता को ऐसे पोजीशन में रखा है कि ये सड़कें बनाने का वादा करते हैं, दावा करते हैं कि घर घर सड़कें जोड़ी जाएगी मेन सड़क से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसलिए नहीं किया जाता है कि गरीब समाज, दलित समाज अपने औकात में रहेगा। ऊपर से हर साल ये बाढ़ का कहर जो आता है, थोड़ा सा गरीब फैमिली ठीक होती है, कुछ अच्छे पोजीशन में आती है, खाने पीने के लायक होती है, तब तक साल में एक बार बाढ़ आ जाता है। ये गनीमत है कि जहां हम लोग, महाराजगंज हमारा क्षेत्र है, 13-14 साल पे आया है। लेकिन आप थोड़ा सा मशरक के आगे जाके देखें, दूसरे विधानसभा से, पूरे बिहार में हर साल आता है। तो गरीब, दलित, बहुजन समाज ही खेतों में है और हर साल बाढ़ लाना इनके फितरत में है। थोड़ा सा कोई अगर ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है, कुछ करने के लायक होता है, कुछ बेहतर होता है, वहाँ पे साल में एक बार बाढ़ आ करके सबको साफ कर देता है। ऊपर से ये कोरोना जो आया, तो कोरोना आया नहीं, कोरोना एक तरह से इसलिए लाया गया कि गरीब तबके के लोग इसमें बर्बाद हो जाए, 4-6 महीना जो काम नहीं किए, बाहर में जो कुछ लोग पैदल आए, पैसे नहीं थे, तो कुछ लोग के पास पैसे थे तो सालों का कमाई उनके किराया में लग गया। अभी हमारा समाज कम से कम 3700 लोगों का हमने लिस्ट बनाया है और वो लोग कर्ज़दार हो चुके हैं। और कर्ज़दार इसलिए हुए हैं कि उनके पास खाने को नहीं था। तो सब कुछ आप बर्दाश्त कर सकते हो, पेट की आग नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो थोड़े थोड़े करके ब्याज पे पैसा इन्होंने उठाया और 20-25 हज़ार लिया, आज उनका पैसा लाखों रुपए हो चुका है। तो ये सब हमें मुक्त करना है, कर्ज मुक्त करना है। और हर गलियारी में, हर मोहल्ले में जो उनके घर तक सड़क जाए, घर तक नाला जाए, ये मेन मिशन है हमारा। और हर पंचायत में कम से कम 4 ट्रैक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार दे, क्योंकि उससे खेती के काम हो सके। इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान, बहुत सारी मुद्दाएं हैं, कितना मुद्दा बताएंगे आप। तो यही सब जो मुद्दा आपने लिया है, इसी वजह से जनता आपको चुने, यही कहें? बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं। हमारे लोगों के साथ अत्याचार भी होता है और उसमें कोई बोलता नहीं है, उसके लिए भी लड़ाई लड़ना ज़रूरी है। और अत्याचार हर समाज में गरीब लोगों के ही साथ होता है, और ये हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि ये अत्याचार बंद हो और हर पंचायत में एक जनता की अदालत बने, जहां जनप्रतिनिधि कटघरे में होंगे और जनता उनसे सवाल करेगी, सब कुछ वहीं होगा।
एटीएन लाइव चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं और क्या सिंबल है आप जनता को बताएं? अपील यही है हमारी जनता से, हमारे लोगों से, हमारे भाइयों से, गार्जियनों से, नौजवानों से कि इस बार मौका है, आप लोग वैसे भी जिता चुके हैं हमें, सर्टिफिकेट दिला दे बस। हेलीकॉप्टर छाप पे इतना बटन दबाएं जो 9 नंबर पे हैं, इतना बटन दबाएं कि उस हेलीकॉप्टर के हवा से, पंखे से पूरा कचरा महाराजगंज विधानसभा का साफ हो जाए और 10 तारीख को शाम को सर्टिफिकेट मिले जी। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको, कौन बनेगा इस बार विधायक महाराजगंज का? हमको जिसको जो बनाए। आप नहीं बनाएंगे? हम नहीं लोग तो बनाएंगे जिसको तो जानता। आपने क्या मूड बनाया है? जिसको जनता ज्यादा लाइक करेगी उसी को बनाया जाएगा। जनता तो आप ही है ना, आप किसको लाइक करते हैं? हम किसको, अब उसी दिन देखा जाएगा जिस दिन वोट होगा। आप बताइए क्या लगता है, क्या होना चाहिए इस बार महाराजगंज में? महाराजगंज में पूरा विधानसभा में जितना आदमी है सब लोग बदलाव लेना चाहते हैं, क्योंकि हर साल में 5-5 साल में अगर चेंज हो सरकार तो बढ़िया काम होगा। और एजाज भैया जो हैं बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं, पूरा पंचायत के लिए 4-4 ट्रैक्टर बेलो हुए हैं, उनके जो भी करना है वो बहुत अच्छा करेंगे। पूरा जनता चाहती है बदलाव, यानी कि इस बार आप लोग 100% बदलाव के मूड में हैं? जी, पूरा 100% बदलाव के मूड में है और बहुत अच्छा प्रत्याशी हैं और भीम आर्मी के भी आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, पूरा उनके साथ जनता है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, पूरा जनता उनके साथ में है। उन्होंने तो अभी हमसे बातचीत करने, जब बातचीत के दौरान कहा कि बस सर्टिफिकेट लेना बाकी है, तो सर्टिफिकेट क्या आप लोग उन्हें दिला रहे हैं? जी 100% हम लोग उनको दिलाएंगे, क्योंकि पूरा समझ लीजिए पूरा जितना महाराजगंज विधानसभा है सब लोग उनको चाहता है और चाहता रहेगा और उनको भारी मतों से विजयी बनाएगा। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग और एजाज अहमद सिद्दीकी जी से बात करने के बाद ये पता चलता है कि जनता का पूर्ण समर्थन जो है वो उनके साथ है, इनकी जीत निश्चित है, 10 तारीख को बस सर्टिफिकेट लेना है, ऐसा एजाज अहमद सिद्दीकी जी का कहना है। अब देखना ये होगा 10 तारीख को जब मतगणना होगी तो क्या सच में महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें विधायक के रूप में चुनकर पटना विधानसभा भेजने का कार्य करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी विकेश के साथ कीर्ति वैभव, ATN लाइव महाराजगंज सिवान।